रेंचो, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया सबको? इतना सवेरे हाँ? क्योंकि दरअसल मैंने सोच लिया है कि इस बार गर्मी में सबके लिए पार्टी दूंगा। और एक पार्टी? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आखिर पार्टी थोड़ी, दरअसल सच में देखा जाए तो थोड़ी पार्टी बोरिंग थी? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा कि वाली पार्टी कुछ अलग होगी? क्या बोलते हो रेंचो? वो तो बाबा आदम के जमाने की बात है, ये जो होगी ना आज तक की सबसे बढ़िया पार्टी। इन फूलों को तो देखो कितने सुंदर है, बढ़िया। क्या तुम सुन रहे हो तुम्हारा राजा क्या बोल रहा है? इस नजारे को तो देखो बाबू, अपनी तरफ से ये नोट कर लेना, इस बार गर्मी की पार्टी इतिहास की सबसे अच्छी पार्टी होगी और उसके बाद मैं दुनिया का सबसे महान राजा के तौर पर जाना जाऊंगा। मुझे महाराज कहकर बुलाना बंद करो, मैं सबसे महान राजा हूँ। मैंने बोला मुझे महान राजा कहो। रेंचो, गर्मी की पार्टी के लिए सही वक्त है क्योंकि इतने सारे फूल जो खिले हैं, देखो ध्यान से देखो। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, कैसे आप? मेरा सर, एक बहुत बड़ा ग्राहक मुझे 100 साल पुराना बाबुल का पेड़ ऑर्डर दिया था। मुझे आज दिन खत्म होने से पहले वो पेड़ चाहिए। मुझे वो पेड़ ला के दो, वरना मैं आज के दिन और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वो नहीं ला पाए तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। लेकिन सर, अरे 100 साल पुराना बाबुल का पेड़ अब इस जंगल में कहाँ मिलेगा? याद तो आ रहा है, कहीं देखा था उसे, लेकिन वो जगह कौन सी थी ठीक से याद नहीं आ रही। कितना बेकार काम है ये। अरे वाह, पिछले हफ्ते ही तो मैंने वैसा एक पेड़ देखा था। यहीं पर कहीं होना चाहिए उसे। ये ठाके कौन लगा रहा है? छोटे, ये बटर कस्ती बंद करो और ले चलो सब कुछ। भाई, ये लोग कर क्या रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हो सकता है ये एक पार्टी होगी। क्या बात है, पिछली बार जब वो लोग पार्टी रख रहे थे तब तो मैंने बहुत सारे पेड़ काट लिए थे। सुना तुमने मेरी बात को? मेरी बात कभी सुनते नहीं हो। अरे बाबू का फूल है ये। मुझे पता था तुम यहीं कहीं पर मिलोगे। अब तुम गंदे लोग पार्टी करो, उसी वक्त मैं अपना 100 साल पुराना बाबुल का पेड़ काटूंगा। सब लोग यहाँ आओ और थोड़ा शरबत पी लो। अरे अरे छीन कर मत पियो। कितना गंदा है, मुझे थोड़ा खून चाहिए होगा, फिर तुम ये मुखौटा जिंदगी भर पहनोगे। अब सब लोग इस दुनिया के सबसे महान राजा की बात सुनो, पार्टी शुरू हो चुकी है। लखा के बच्चे, अब तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पेड़ काटना मना है समझे? हाँ, ये वैसा कुछ नहीं है, मैं कोई पेड़ नहीं काट रहा। तुम हमेशा गंदा ही सोचते हो, ये कोई पड़ोसी वाली बात थोड़ी हुई। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
मुझे लगा पार्टी में तुम मेरी खातिरदारी करोगे, मैं सच में यही आशा कर रहा था। हाँ। तुमने क्या सोचा हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? पिछले वसंत ऋतु में हमने तुम्हें फूल सूंघने की पार्टी में बुलाया था, लेकिन उस वक्त तुम हमें लगे बैठे पकड़ने की कोशिश में। जाने भी दो यार, मैं तो अभी काफी बदल चुका हूँ, चलो माफी मांगता हूँ। जो भी हो, पता है एक कहावत है, शत्रुओं को हमेशा अपने नजदीक रखना। अगर लखा हमारे साथ पार्टी करना चाहता है तो इस जंगल के राजा के तौर पर और इस दुनिया का सबसे महान राजा होने के नाते मैं बोलता हूँ क्यों नहीं, कर सकता है। ओ सच में, अरे महान राजा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये लो। ये पेड़ तो सबसे अच्छा है, लेकिन इसे काटने से पहले मुझे इन जानवरों को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। लेकिन कैसे यार, चल सोच बे लखा, सोच सोच। बहुत अच्छे छोटे, क्या हुआ? देखो लखा क्या कर रहा है। क्या तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ क्यों बैठा है? मुझे नहीं पता, चलो जाके उससे पूछते हैं। जरूर। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लखा? वो दरअसल बहुत दिन बीत गए ना, तो तुम्हें क्या अकेलापन महसूस हो रहा है? ऐसा है क्या लखा? रो मत, तुम्हें कुछ और नहीं, बस पेड़ काटना छोड़ना पड़ेगा, फिर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो दरअसल में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे जिंदा भी तो रहना है। हम इंसानों को काम तो करना पड़ता है, लेकिन तुम जाते हो मेरा दिल क्यों बैठ गया है? मैं इस जंगल में सालों से बसर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा एक भी दोस्त नहीं है। हमेशा अकेला रहता हूँ, मुझे ईर्ष्या होती है तुमसे। दरअसल अगर तुम लगातार नहीं होते, मुझे लगता है कि हम सब अच्छे दोस्त बनते। ये सब तुम पे है लखा, क्या बोलते हो लखा? सही में अगर पेड़ काटना भूल जाओ तो तुम वाकई में अच्छा इंसान हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ। क्या तुम दोनों वाकई मुझे अपना दोस्त समझते हो? हाँ बिल्कुल दोस्त, पेड़ काटना छोड़ दो और हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ, समझ गए? हाँ, तुमने सही सुना भाई, हम हमेशा के लिए दोस्त बन सकते हैं, समझ गए? हाँ, मैं लखा ये ऐलान करता हूँ कि मैं फिर कभी लकड़हारा नहीं बनूंगा। ए लखा, क्या तुम मेरे साथ गुलेल के साथ खेलोगे? पहले मैं मारूंगा। अरे बाप रे, ये गुलेल तो नहीं, नहीं रुको एक मिनट, मुझे मारने दो। ठीक है फिर, पहले तुम। बुला निकालो तो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम साइड में बचाओ। अरे मेरी नाक। खेल खेलते हैं, ये तुम्हें कौन सा मुखौटा चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा है? अरे ये तो मेरे साथ इतना अच्छा पेश आ रहे हैं, मुझे उसे मुखौटा पहनने से रोकना होगा। अरे रुको, तुम पर ये जचेगा नहीं, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। अरे ये तो अटक गया। ये अजीब है, ये मुखौटा उसके पीछे कैसे अटक गया? वहां से खड़े खड़े देख के रहे हो, इसे निकालो, मेरी मदद करो। एक दो तीन। पता है मैंने तुम्हें ही फोन किया है, तुम्हें वो पेड़ मिला कि नहीं? दरअसल वो, हेलो, तुम्हें वो पेड़ मिला कि नहीं? माफ कीजिए सर, अब तक नहीं मिला। क्या कहा तुमने? अब तक नहीं? अब तक क्या कर रहे थे तुम? इस महीने तुमने जो भी काम किया है, मैं उसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। लक्का, इसे देखो, हमने तुम्हारे लिए आखिरी चंबल बचा के रखा है। पैसे से भले दोस्त,
यही बोल सकता हूँ मैं। दरअसल ये मेरी नई सोच है, थोड़ा जूस बचा के रखना। यार ये पंखा तो बिल्कुल बेकार है, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, लगता है मैं पिघल जाऊंगा। और ये गंदा सा फोन कौन है? हाँ क्या चाहिए तुम्हें? मेरी लकड़ी कहाँ है? मुझे लगता है तुझे इस महीने पगार नहीं चाहिए, है ना? ऐसा है क्या? हाँ बताओ लखा। सही है, तुम तो हमेशा इसी बारे में बात करते हो ना, इसके अलावा क्या तुम कभी कुछ और बोल नहीं सकते क्या? अरे यार मैं अपने गंदे मुंह से ये क्या बोल गया। अच्छा होगा अगर मैं माफी मांग लूं, मैं उन्हें वापस फोन करता हूँ। सर हेलो सर, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। सूरज सर के ऊपर आ चुका है, गर्मी से मर रहा हूँ मैं। अरे मुझे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैं उड़ सकता हूँ, देखो जरा मेरे नन्हे। अरे ये तो अजीब होता जा रहा है, मेरा नियंत्रण तुमने ठुकरा क्यों दिया? मैं एक सुपर हीरो हूँ, इस दुनिया को बचाने में जरूर केमिकल लोचा हुआ है। मैं शेर हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मुझे लगता है आज के लिए भाग जाना ही सही रहेगा। मुझे क्या हो गया? लखा क्या आप आजकल बहुत दिमागी दबाव में रहते हैं? हाँ, क्या आपके अंदर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं? अचानक गुस्सा, मति भ्रम होना, या फिर ध्यान केंद्रित करना, या आराम करने में परेशानी? मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि हो सकता है आप मानसिक दबाव के शिकार हो चुके हैं। सही सुना आपने लखा, लेकिन सुन के लगा कि आपने टेबल पर छलांग मारी है। कृपया करके शांत रहिए, अभी आप तो बस शुरुआती क्षेत्र में हैं, लेकिन आपको इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। तुमने मेरा निमंत्रण क्यों ठुकराया? मैं एक सुपर हीरो हूँ, इस दुनिया को बचाना मेरी किस्मत है। आप इस इलाज के लिए पैसे कैसे देंगे? नगद में देंगे या कार्ड से? कुल मिला के आपका खर्चा आएगा 6 लाख रुपए। इतना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, मेरे पास तो इतने ही बचे हैं। ठीक है, आपके पास जब भी पूरा पैसा होगा फोन करना हमें। अरे रुक गया, मैं इस बारे में क्या करूँ अब? अरे यार, अरे हाँ, हेलो मैं लखा बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लकड़ी नहीं तो पैसा नहीं, समझ गया तू? लेकिन सर ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मक्खीचूस है, उसे हर वक्त बस यही बोलना आता है, काम करो, और उसके बाद वो चबन्नी अट्ठन्नी दे देता है, कितना गंदा है वो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली सर कौन है, बेवकूफ सर कहीं का। मैं जंगल के सारे पेड़ काट डालूंगा, इस पर शर्त लगा सकता हूँ। मेरी मूली कहाँ गए सब के सब? कौन कहाँ जा सकते हैं? कहाँ गए सब के सब? मेरी प्यारी प्यारी मूली, वापस आ जाओ मेरे बच्चों, कहाँ चले गए तुम सब, वापस आ जाओ। ये तो मुझसे भी बड़ा पागल निकला। मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है? मैं ही क्यों? क्या तुमने कभी सोचा कि कभी कभी तुम भी सेव हो सकते हो? अरे नहीं। शायद ये लोग भी मेरे जैसे दिमागी दबाव के शिकार हैं। लगता है ऐसा हो सकता है, जाकर देखता हूँ। ब
बाबू और डुगू भालुओं के घर के अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं? अब दिमाग बिल्कुल हल्का लग रहा है, अब मैं अपने घर मूली के पास जाता हूँ। क्या? अब मैं एक नए बंदे जैसा महसूस कर रहा हूँ। ये तो भालू शायद किसी तरह से उन लोगों का इलाज कर सकते हैं। तुमने उन्हें ठीक कर दिया, मुझे भी करता। देखो मैंने देखा वो लोग ठीक ठाक निकल गए एकदम नए जैसे, ये तो चमत्कार था, मुझे भी ठीक कर दो ना। अरे मेरी मूली कहाँ गए सबके सब? मैंने सोचा कि तुमने वो सब तुम्हारे गोदाम में रख दिया। अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। या कितनी गर्मी है, भारत को सेब चाहिए, लेकिन मैं सेब कहाँ दिलाऊं? जंगल में दक्षिण की तरफ तुम्हें कुछ सेब मिल सकते हैं, समझे? देखो भाई ये गर्मी में तो सबको पागल बना दिया है, लेकिन वो लोग। हाँ तुमने उन्हें ठीक कर लिया, मुझे भी करो। ये तो सच में तकलीफ में है भाई, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है लेकिन वादा करो कोई पेड़ नहीं काटोगे तुम? करता हूँ, वादा करता हूँ मैं। मेरी तो पीठ में दर्द हो रही है। एक दो तीन इस तरह। पीछे जाओ और थोड़ा रुको, हाथ अपने पीछे लो ऐसा करके। अब हम ध्यान करेंगे, श्वास लेना भूलना मत, ठीक है? आंखें बंद करो और सोचो कि तुम आसमान में एक उड़ता हुआ बादल हो, हल्का और स्वाधीन। नहीं तो बड़ा वाला आम है। चुप रहो। ए भाई तुम्हें लगता है कि योगा से ठीक होगा? पता नहीं लेकिन इतना पता है कि योगा से मन का दबाव कम होता है और तुम्हें आराम मिल जाता है, समझ गए? मुझे तो लगता है कुछ काम हुआ है। तुम्हें पता है छोटे, मैं दवा के साथ कह सकता हूँ कि इसका बॉस पे हमेशा काम का प्रेशर डालता है, उसे रिलैक्स करने के लिए हम कुछ देर उसका दिमाग बाहर रखेंगे। तो फिर तब तक डब्लू बॉस की बात कोई नहीं करेगा, समझ गए तुम? समझे मेरी बात? घर प्यारा घर। दरअसल जैसा कि सब जानते हैं मैं अपना वादा निभाता हूँ, मैं अब पेड़ काटने का सामान फेंक दूंगा। ठीक है, क्या अच्छा लगा? मैं ये नहीं समझा इन औजारों के साथ मेरे इलाज का क्या लेना देना, मेरी जिंदगी में अगर ये दोनों नहीं होता तो दिमाग में दबाव नहीं पड़ता, मेरी हालत के लिए यही जिम्मेदार है। क्या तुम इस इलाज के बारे में निश्चिंत हो? शुरू करो। तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? बेचारा लखा, उसकी हालत में सुधार आ रहा है, हमें उसके बॉस से उसे दूर रखना होगा, समझे तुम? तुम्हें इसकी कीमत भाई, बहुत गर्मी है। चलो चल के देखते हैं कुछ पीने के लिए है कि नहीं। ये उसके बॉस का बिजनेस कार्ड है, लखा जरूर ये देखा हो जाएगा, हमें इसे फेंकना होगा। भाई देखो ये उसके काम के वास्ते ही है, हमें इसे कहीं छुपाना होगा। चलो 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 इसे काम बन जाए। टकला लगता तुम मेरे साथ पंगा लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पंगा लूंगा। सर ने मुझे पैसे भेजे। जाओ जाओ। बच गया। तुम दोनों ने मुझ पर हमला किया दो बार, अब बहुत हो चुका। कौन होगा? मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है तुम किसके साथ बात कर रहे हो? सर बॉस। क्या? बहुत बदमाश इंसान के नाम पे जाता हो तुम। डब्लू देखो उसे रोक सकते हो कि नहीं? मैं क्या? नहीं। अगर तुम उसे रोकोगे तो मैं तुम्हें छुपा हुआ शहद दूंगा, समझे तुम? अभी रोकता हूँ भाई। मेरे साथ कीड़ा मकोड़े जैसे पेश आ सकते हो? मुझे नहीं लगता है रुकने वाला है। बहुत गुस्सा भाई, तेरा दिमाग फूट गया। पकड़ो उसे, मुझे सोचने दो जरा भाई, सोचो सोचो सोचो। मैं एक गोरिल्ला हूँ। भागने मत उसे। लेकिन अभी उसने बोला कि याद करो शहद, शहद छुपाया हुआ शहद। नहीं 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 उठो बीच में से, हटाओ इसको भाई, ये क्या कर रहा है? टकला लखा क्या तुम हो वहाँ? यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। एक छुट्टी के बारे में क्या ख्याल है? मिल गया छुट्टी, कोई चाल नहीं। डब्लू से कस के पकड़ो, मैं भी आता हूँ। ठीक है गाड़ी करो भाई, ये देखो क्या कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ वहाँ बहुत गर्मी है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम एक छुट्टी ले सकते हो। ठीक है खूब मजे करो। छुट्टी
मेरे लिए? अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार इतने सबके बाद लखा तक गया होगा। चलो छोटे हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है। कितना गंदा दिन है यार। इतनी गर्मी है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना थक चुका हूँ मैं। क्या हो गया मुझे? आज गर्मी का और एक दिन है जहां तापमान करीब 39 डिग्री छू चुका है। अगर आपको थकान महसूस होती है तो हो सकता है कि यह तापमान की वजह से है जो आपकी भूख कम कर रहा है, जिसकी वजह से आपका रक्तचाप घट सकता है। इलाज बिल्कुल ही आसान है, बस कुछ सिरप या गन्ने का जूस पी लीजिए। ये तो अच्छा तरीका है। ये तो वाकई में अच्छा है, लेकिन अब तो मेरे पास ठीक है, मैं कुछ और गन्ने की खेती कर लूंगा। हाँ, और इस तरह मेरे पास हमेशा रहेगा ये, जब चाहे मैं जूस निकाल सकता हूँ। इस गर्मी में तो भूख मिट जाती है, ठंडा कुछ पीने के लिए होता है। डब्लू डब्लू, अभी मैंने लक्का को इस तरफ आते हुए देखा। क्या उसे अब क्या चाहिए? डब्लू, अरे बाहर निकलो ना यार। क्या चाहिए तुम्हें? अरे बबलू शांति रखो यार, मैंने सोचा तुम दोनों के लिए एक तोहफा लेता चलो। ये छोटा सा डंडा हमारा तोहफा है? ये कोई डंडा नहीं है, ये तो स्वादिष्ट गन्ना है। इसे खाकर देखो कितना ठंडा महसूस करोगे। खाने के लिए है? ठीक है फिर। मैं सोचता हूँ कि पहले थोड़ा चख के देखूंगा। ऐसा लगता है कि हवा का चौका मुझे छू के चला गया। मजा आ गया लक्का, ये तो कमाल का है सच में। मैं भी चौका चाहूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ये काफी बड़ा हुआ है। इतना चौका करने मुझे ये खा के देखते तो ये तो छोटा है, तुम्हें इसकी खेती करनी पड़ेगी, फिर तुम जितना चाहे गन्ना खा सकते हो। समझे मेरी बात? अरे मुझे तुम्हारी तरकीब समझ में आ गई। काम करें हम, मजा लूटो तुम। अरे मेरा सार मुझे चक्कर आ रहा है। सच में यारो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शरीर से शक्कर निकल गया है। मुझे गन्ना चाहिए ठीक होने के लिए, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। कोशिश अच्छी थी लक्का। ये खुद ही कर लेता, लेकिन बबलू तुम्हें बताया हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो सच बोल रहा है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, समझ गए लक्का तुम? चलो फिर काम पर लग जाओ। अरे यार जानते नहीं कि अपने आप नहीं लग जाएंगे। उतना भी बुरा नहीं है यारो। तुम्हें पता है उन जानवरों की मदद के बगैर मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता था, ये तो सच है। ठीक है चलते रहो, सबके लिए शुक्रिया, जाने का वक्त आ गया। ए रुको, ये सब करना कब बन जाएगा? तुम हमें बताना तो नहीं भूल जाओगे? बोलो। बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी करूंगा। अपना ध्यान रखना लगता। हाँ बिल्कुल, चलो घर चलते हैं। इंतजार जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, अब तक तो गन्ना बड़ा हो गया होगा। ये लक्का अब तक हमें बताने क्यों नहीं आया? क्या वो भूल तो नहीं गया? पता नहीं, लेकिन हम और टुक्कू जाके देखेंगे तो इसमें बुरा क्या है।
क्या चल रहा है? कौन है वहाँ? कौन है तुम लोग? ये सब मेरे करने है, तुम लोग भागो यहाँ से। तुमने तो कहा था कि अगर हम खेती करेंगे तो ये हमारा भी होगा, अब क्या बात हो गई? ये सही है, तुमने वादा किया था हमसे लखा। हाँ, हमारा हिस्सा कहाँ है? हाँ, देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा। ये लो, इतना सा मिलेगा तुम लोगों को। क्या, सिर्फ एक? हाँ बिल्कुल, एक ही मिलेगा। मैंने कभी नहीं बोला था कि कितना दूंगा, है ना? लखा, चालाक लोमड़ी कहीं का। यही कहना चाहते हो तुम? ये जमीन मेरी है, इसलिए गन्ना भी मेरा हुआ। नसीब अच्छा है कि एक तो दे दिया मैंने। लखा के बच्चे, तुम्हें बताए तुम क्या हो? स्वार्थी। हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए। कितने नाखुश गंदे भालू हो तुम लोग। चलो, हर एक के लिए एक एक गन्ना, आप चलते बनो, जाओ यहाँ से। मेरा गन्ना। डब्लू, तुम्हें लगता है हमें तुम्हारा गन्ना चाहिए? हमने तुम्हारी मदद की क्योंकि हमें लगा कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हारी तबीयत को लेकर चिंतित था। मेरा गन्ना। तो फिर वो तुम्हारी गलती हुई ना। मैंने तो नहीं बोला था ना चिंता करने के लिए। अरे ये तो सचमुच बहुत अच्छा है। वो जानवर कितने नादान है, काफी शर्मनाक बात है ये सच में। अच्छा होगा कुछ देर पचा लूं इसे। कौन हो सकता है वो? लखा, तुमने अब तक कुछ नहीं भेजा, कहाँ है मेरी लकड़ियाँ? हेलो सर, मैं तो बस अभी एक सेकंड पहले काम कर रहा था। काम करना कितना गंदा होता है। गन्ने तो बहुत जल्दी बड़े हो गए, ये सब तो मेरा रास्ता रोक देंगे। ये मुझे नहीं रोक सकते। अरे लगभग पहुंच गया। अरे मेरा पेट। अरे यार, ओहो। मौसम बहुत खराब है। अरे मेरे कन्ने, इन्हें तो हवा उड़ा के ले जा रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा जल्दी। इतना खतरनाक नहीं होता तो मजा आ रहा था वैसे। मुझे कोई बचाओ। जल्दी उसे अंदर से लेके आओ। फिर क्या पूछा है? जल्दी करो। होश में है वो। कितना सुंदर लग रहा है। मेरा घर बर्बाद हो गया। हमें खुशी है कि तुम सही सलामत हो। चलो भाइयों। अरे रुको जरा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। असल में तुम क्या सोच रहे हो बोलो? वो तो बस, मैंने कितना गंदा काम किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने जिंदगी दांव पर लगा के मुझे बचाया। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे माफ कर सकोगे। तुम ये गन्ने ले सकते हो, ये तुम जैसे हीरो को ही मिलनी चाहिए। धन्यवाद।
तुम्हारा घर फिर से बनाने में मदद करूंगा। अरे क्यों नहीं,